प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सोए ऋषियों, इस प्रकार इस महायुद्ध का आरंभ हुआ। हे महर्षि, कृपा करके हमें यह बताने का कष्ट करें, क्या गौरी नंदन के साथ इतनी शक्ति संपन्न देवियों की शक्तियां मिलकर युद्ध नहीं करेंगी? क्या गौरी नंदन समस्त देवताओं के साथ अकेले युद्ध करेंगी? युद्ध के लिए गौरी नंदन स्वयं ही सक्षम है, उन्हें किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस समय गौरी नंदन गणेश का सामना कोई देव कोई दैत्य नहीं कर सकता है। इस बात को सभी देवता अच्छी तरह से जानते हैं। हे महामुनि, ये जानने के पश्चात भी समस्त देवता मिलकर गौरी नंदन से युद्ध करना चाहते हैं? निश्चित ही सब देवता जानते हैं कि अकेले कोई देवता गणनाथ गणेश्वर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्या शनि देव ही उन्हें पराजित नहीं कर सकते? शनि देव तो शनि देव, इस समय विष्णु देव और महादेव भी उनके प्रकोप का सामना नहीं कर सकते। परंतु आपने देखा शौनक ऋषि कि शनि देव गौरी नंदन से अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। हे महर्षि, जिस प्रकार आपने बताया कि रणभूमि में शनि देव के हाथों से शस्त्र छूट चुका था, यदि गौरी नंदन चाहते तो शनि देव का वध भी कर सकते थे, किंतु अवसर मिलने पर भी गौरी नंदन ने ऐसा क्यों नहीं किया? शौनक ऋषि, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है, इसका उत्तर हम आपको निश्चित ही देंगे। गजानन भक्तों पर आपकी बड़ी कृपा होगी महामुनि। शौनक ऋषि, गजानन गणनाथ सारे संसार को अपना महान चरित्र दर्शाने आए थे। वो धर्म अधर्म न्याय अन्याय के अंतर को अच्छी तरह से जानते हैं। गौरी नंदन निश्चित ही शनि देव का वध कर सकते थे, परंतु उन्होंने देखा शनि देव के हाथों से उनका शस्त्र छूट चुका है। उन्होंने ये सोचकर अपने प्रहार को रोक लिया कि निहत्ते पर प्रहार करना अधर्म है। वे नहीं चाहते थे कि धर्म का नियम टूटे, और इस प्रकार शनि देव को क्षमा कर उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। हे महर्षि, क्या समस्त देवता भी इसी प्रकार गौरी नंदन से धर्म युद्ध करेंगे जैसा कि गौरी नंदन ने किया? शौनक ऋषि, अभी आगे व्यक्त होगा कि समस्त देवताओं ने धर्म युद्ध किया या अधर्म युद्ध। अब देखना यह है कि इस धर्म अधर्म के युद्ध में अधर्म रूपी शरीर की जीत हुई या धर्म रूपी आत्मा की। किंतु इस समय सूर्यदेव ने इस युद्ध में आकर एक नवीन मोड़ दे दिया है। आगे क्या हुआ इस पुनीत कथा में श्रवण करें। हे चंद्रमौलेश्वर, ये अंधकार कैसा, ये अनर्थ कैसा, ये बनते हुए कार्य में विघ्न कैसा, कौन है, किसने हमारे कार्य में बाधा डालने की चेष्टा की है? अंधकार को केवल सूर्यदेव ही कर सकते हैं महादेव। सूर्यदेव? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है ब्रह्मदेव? क्या वो ये नहीं जानते कि इस समय स्वयं उनके पुत्र शनिदेव उस बालक गणेश के समक्ष युद्ध में है? सूर्यदेव हमारे विरुद्ध किस प्रकार हो सकते हैं? उन्होंने उस समय भी हमारा साथ दिया जब उनके पुत्र शनिदेव हमारे विरुद्ध होकर दैत्यों और असुरों का साथ दे रहे थे। ये सूर्यदेव ने उचित नहीं किया, उन्होंने हमारे कार्य में बाधा डालकर इस युद्ध को और भी अधिक दीर्घ कर दिया है। हम इस युद्ध को और अधिक दीर्घ नहीं करना चाहते, इस युद्ध को यही समाप्त कर देना चाहते हैं। संभवतः सूर्यदेव अपने पुत्र से अप्रसन्न है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इस युद्ध में शनिदेव हमारा साथ दे रहे हैं। सूर्यदेव क्या समझते हैं,
कि उनके अंधकार कर देने से यह युद्ध नहीं होगा, युद्ध निश्चित ही होगा। हम इस तरह विवश होकर नहीं बैठेंगे। यदि हमें प्रकाश चाहिए तो उसका प्रबंध है हमारे पास। युद्ध भूमि को प्रकाशित करने की अपेक्षा आप किससे कर रहे हैं इंद्रदेव? चंद्रदेव से। चंद्रदेव से? चंद्रदेव का प्रकाश तो स्वयं सूर्यदेव से है इंद्रदेव। सूर्यदेव के बिना चंद्रदेव अंधकार का केवल एक रूप है, वो हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? सूर्यदेव के बिना चंद्रदेव विवश है, असमर्थ है, असहाय है इंद्रदेव। अर्थात हमारी सहायता केवल सूर्यदेव ही है। क्या सूर्यदेव को अपनी प्रकाश की शक्ति पर इतना अभिमान है? क्या वो हमारे क्रोध से परिचित नहीं? यदि हमारा तीसरा नेत्र खुल गया तो हमारी क्रोध की अग्नि से सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं चंद्रमौलेश्वर? आप किसी प्रकार की चिंता न करें, सूर्यदेव को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। इस अंधकार को दूर करना ही होगा, अन्यथा सारी सृष्टि अंधकार से विचलित हो जाएगी, सर्वनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। महादेव, सर्वनाश के कगार पर। ये अचानक क्या हो गया विजया? अचानक अंधकार कैसे छा गया? मैं तो स्वयं विस्मित हो जाया। ये अचानक रात्रि का आगमन कैसा? मुझे तो किसी संकट का संकेत दिखाई दे रहा है विजया। कहीं वो राक्षस पुनः उपस्थित तो नहीं हो गया? कहीं हमारे गजराज के प्राण पुनः संकट में तो नहीं पड़ गए? संभवतः वो राक्षस अपने प्रतिशोध के लिए अपनी समस्त सेना के साथ कहीं गौरी नंदन से युद्ध करने न आ गया हो। तुम्हारा संदेह मुझे उचित लग रहा है जया। ये मायाजाल उसी राक्षस संघार का सुर का है। वो इस अंधकार में निश्चित ही कोई विनाश लीला रच रहा है। विजया, इससे पूर्व की कोई अनर्थ घटना घटित हो, हमें शीघ्र ही जाकर मातेश्वरी को ये बात बतानी चाहिए कि हमारे गौरी नंदन के प्राण संकट में हैं। नहीं जया, मातेश्वरी इस समय अपनी तपस्या में है और उनकी तपस्या भंग करें ये उचित नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे विजया? हमें सर्वप्रथम गौरी नंदन को जाकर देखना चाहिए, तत्पश्चात मातेश्वरी को जाकर सूचना देंगे। चलो चलकर देखते हैं कि इस अंधकार का कारण क्या है। हाँ हाँ चलो। गौरी नंदन। गजराज तो यहाँ सुरक्षित है विजया, किंतु गौरी नंदन कहाँ है? गौरी नंदन निश्चित ही भवन के द्वार पर निकट होंगे। पिताश्री, पिताश्री, ये आपने क्या किया? पिताश्री, ये आपने क्या किया? हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। आपने अंधकार फैलाकर देवताओं के पक्ष में उचित नहीं किया। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये हमें समझाने का प्रयत्न मत करो। क्या ये उचित है कि समस्त देवता मिलकर एक निर्दोष बालक के साथ अधर्म युद्ध कर रहे हैं? क्या ये उचित है कि समस्त देवता मिलकर एक अबोध बालक की हत्या का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या ये उचित है कि समस्त बलिष्ठ देवता मिलकर निर्दयता से उस बालक पर प्रहार कर रहे हैं? सूर्यदेव, ये कहकर आप समस्त देवताओं का अपमान कर रहे हैं। नारायण नारायण, सत्य तो निश्चित ही विष का घूंट होता है श्रीहरि। इसे कंठ से उतारने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है। पुत्र नारद, देवियों के बहकावे में आकर अपने ईश देव से बात करने की सभ्यता भी भूल गए? नारायण नारायण, पिताश्री, इस समय वार्ता सभ्यता असभ्यता की नहीं, उचित अनुचित और न्याय अन्याय की हो रही है। देवर्षि, तो फिर ये कहां का न्याय है? प्रकृति के विरुद्ध समस्त सृष्टि में अंधकार कर दिया जाए? ये अंधकार तब तक छाया रहेगा पुत्र, जब तक समस्त देवता उस निर्दोष बालक के विरुद्ध अपना युद्ध समाप्त न कर दें। युद्ध समाप्त नहीं होगा पिताश्री। मान रहो पुत्र, अपनी शक्ति पर इतना अभिमान न करो, हट का मार्ग छोड़ दो। यदि हम हट के मार्ग पर आ गए तो यह समस्त सृष्टि हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। सूर्य कभी उदय नहीं होगा, कभी नहीं। पिताश्री, आप सृष्टि के नियम पर अंकुश नहीं लगा सकते, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं ये समस्त देवता जो एक अबोध बालक के साथ युद्ध करने आए हैं। ये यहाँ युद्ध करने नहीं,
अपनी कायरता का प्रमाण देने आए हैं। पिताश्री, मैं अपने सम्मानित देवताओं का अपमान सहन नहीं कर सकता। अधर्म का मार्ग सहन कर सकते हो, एक अबोध बालक की हत्या सहन कर सकते हो, उपकार मानो इस बालक का जिसने तुम्हारे प्राण नहीं लिए। यदि समस्त देवता अपनी भलाई चाहते हैं तो उनसे कहो युद्ध समाप्त करके वापस लौट जाए। सूर्यदेव, युद्ध समाप्त नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण, युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये युद्ध निश्चित ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके प्राण संकट में है गौरी नंदन गणेश। हमें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। युद्ध समस्त देवताओं ने आरंभ किया था, अब इस युद्ध का अंत हमी से होगा। गौरी नंदन को समझाइए सूर्यदेव। गौरी नंदन गणेश, आप हमारी बात समझने की चेष्टा करें। समस्त देवताओं से युद्ध करना उचित नहीं होगा, उचित यही होगा कि आप लौट जाएं। नहीं, अब कायरों की भांति हम अपने भवन का द्वार नहीं छोड़ सकते। यदि समस्त देवताओं में हमसे युद्ध करने का साहस है तो आए हमारे समक्ष। आप प्रकाश कीजिए सूर्यदेव। अंधकार और अंधकार के पश्चात ये पुनः प्रकाश, सृष्टि के नियम के विरुद्ध ये घटना किस प्रकार घटी? गुरुदेव, इस रहस्यमयी घटना से तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। अवश्य इसके पीछे सूर्यदेव का हाथ है। तुम्हारा विचार उचित है दैत्यराज। सृष्टि के इस नियम को बदलने के उत्तरदायी केवल सूर्यदेव ही हो सकते हैं। किंतु गुरुदेव, ये तो हमारे लिए अत्यंत चिंताजनक बात है कि सूर्यदेव ने हमारे बनते हुए कार्य में विघ्न डाला है। अंधकार करके उन्होंने गणेश की सुरक्षा की है। नहीं तारकासुर, नहीं, गणेश की सुरक्षा अब कोई नहीं कर सकता, स्वयं सूर्यदेव भी नहीं। गणेश की सुरक्षा के लिए ही सूर्यदेव ने कुछ देर के लिए अंधकार किया है। तुम यह कहना चाहते हो दैत्यराज कि सूर्यदेव ने अंधकार करके गणेश को मृत्यु के अंक से बचा लिया? निश्चित ही गुरुदेव, एक बालक इतने बलिष्ठ देवताओं का सामना कैसे करता? जब सूर्यदेव को इस बात का आभास हुआ होगा कि समस्त देवता मिलके उस बालक का वध कर देंगे तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अंधकार करके उसका जीवन बचा लिया। सूर्यदेव का इस युद्ध में बाधा बनना सूर्यदेव के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो सकता है तारकासुर। हमारे लिए सूर्यदेव का नहीं गणेश का विनाश आवश्यक है। आपने तो कहा था कि आप सूर्यदेव को कभी सफल नहीं होने देंगे, तो फिर ये अंधकार कैसा? यदि अंधकार गणेश का रक्षक सिद्ध हुआ है तो ये पुनः प्रकाश का कारण क्या है? संभवतः समस्त देवताओं की पराजय। देवताओं की पराजय? हो सकता है कि बालक गणेश के समक्ष समस्त देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली हो और इसी कारण सूर्यदेव ने पुनः प्रकाश कर दिया। संघार कासुर का क्या समाचार है? अभी तक संघार कासुर की तरफ से कोई समाचार नहीं। इसका अर्थ है कि अब हमें ही इस युद्ध की वर्तमान स्थिति का पता लगाना होगा कि बालक गणेश और देवताओं के मध्य क्या हो रहा है। बालक, चलिए चंद्रबोलेश्वर, हमारे होते हुए आप युद्ध नहीं करेंगे। यदि इस बालक को अपने आप पर इतना अभिमान है तो इस बालक से युद्ध हम करेंगे। Thank you.
यह कदापि नहीं हो सकता। एक बालक इतना शूरवीर, इतना महाबली योद्धा कदापि नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुदेव, इस समय युद्ध की परिस्थिति क्या है? देवताओं की विजय या पराजय? अब पराजय के लिए शेष रहा ही क्या है तारकासुर? क्या सूर्यदेव समस्त देवताओं के साथ युद्ध कर रहे हैं? नहीं तारकासुर, वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। वो तो इस युद्ध में देवताओं की पराजय का दृश्य देख रहे हैं। कितने विस्मय की बात है कि समस्त देवता मिलकर भी एक बालक का वध करने में असफल है। इसका अर्थ तो ये हुआ, यदि समस्त देवतागण उसका वध करने में असफल है तो वो कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक में अवश्य कोई अलौकिक शक्ति है गुरुदेव। उसकी अलौकिक शक्ति केवल देवताओं के लिए नहीं, दैत्यों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है तारकासुर। यदि समस्त देवता उस बालक का वध करने में असफल हुए तो तुम्हें विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में जाना होगा। क्या युद्ध अब भी आरंभ है गुरुदेव? हाँ तारकासुर, युद्ध अब भी आरंभ है। और इस समय उस बालक गणेश से कौन युद्ध कर रहा है? विष्णुदेव। विष्णुदेव, शनिदेव और अग्निदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं के होते हुए विष्णुदेव को रणभूमि में क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि समस्त देवता गणेश से पराजित हो चुके हैं। केवल शनिदेव अग्निदेव ही नहीं, वरुण देव यमदेव और समस्त शिवगण इस युद्ध में पराजित हो चुके हैं। यदि समस्त देवता इस युद्ध में पराजित हो चुके हैं तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस युद्ध का परिणाम अब केवल महादेव है। महादेव? हाँ तारकासुर, अब महादेव को भी इस युद्ध में प्रवेश करना होगा। संभव है विष्णुदेव भी गणेश से पराजित हो जाए। इस युद्ध में बालक गणेश समस्त देवताओं का विनाश न कर दे। समस्त देवताओं का विनाश? ये आप क्या कह रहे हैं अग्निदेव? वही कह रहा हूँ जो मैंने अनुभूत किया है। हम समस्त देवताओं में कोई भी इस योग्य नहीं है जो शूरवीर योद्धा के साथ युद्ध करने में सक्षम हो। कदाचित शनिदेव ने उसे पराजित कर दिया हो। धर्म युद्ध के द्वारा तो शनिदेव भी उसे पराजित नहीं कर सकते। मत भूलो कि यमदेव जैसे शक्तिशाली देवता को भी रणभूमि से भागना पड़ा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं था अग्निदेव। संभवतः बालक गणेश को महादेव भी पराजित नहीं कर सकते। अग्निदेव, पता नहीं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। वरुण देव भी कहीं लुप्त हो चुके हैं। अब वहाँ युद्ध करने के लिए शेष कौन है? निस्संदेह हमारे पश्चात इंद्रदेव ने इस युद्ध में शनिदेव को ही भेजा होगा। तो फिर जो अंधकार हुआ था उसका कारण कहीं शनिदेव तो नहीं? भ्राता शनिदेव कैसे हो सकते हैं? शनिदेव बालक गणेश पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के अभिलाषी थे और ये बात समस्त देवता अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पिता सूर्यदेव उनसे रुष्ट हैं। आप पिताश्री के बारे में कहना क्या चाहते हैं अग्निदेव? निश्चित ही आपके पिताश्री ने ये अंधकार किया होगा। पिताश्री ने? लेकिन वो अंधकार क्यों करेंगे? हो सकता है कि गणेश पर दृष्टि डालने वाली बात उन्हें पता चल गई हो और वो समस्त देवताओं के विरुद्ध हो गए हों। आप कहना क्या चाहते हैं, सूर्यदेव गणेश का पक्ष लेंगे क्या? यदि शनि देव हम समस्त देवताओं के साथ हैं तो निश्चित ही सूर्यदेव गणेश का पक्षपात करेंगे। तब तो गणेश पर देवताओं का विजय प्राप्त करना असंभव है। पता नहीं अब यह युद्ध किस प्रकार का रूप धारण करे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें रणभूमि छोड़कर वहां से नहीं आना चाहिए था। हमें पुनः रणभूमि में जाना पड़ेगा अग्निदेव, अन्यथा सभी देवताओं की दृष्टि में हम कायर प्रतीत होंगे। बड़े दुख की बात है कि गणेश से हम अपना प्रतिशोध भी नहीं ले सके। इंद्रदेव के साथ हमारी ये मंत्रणा हुई थी कि गणेश का मस्तक कटते ही यमदेव उसके प्राण खींच लेंगे, किंतु यमदेव हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, तो उसके प्राण खींचेगा कौन? गणेश के प्राण खींचना तो अलग बात है, मुझे तो गणेश का पराजित होना भी असंभव लग रहा है। मुझे तो भय है कहीं गणेश शनिदेव को भी पराजित ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो महादेव की सुरक्षा के लिए श्री हरि विष्णुदेव को गणेश के साथ निश्चित ही युद्ध करना पड़ेगा।
हरिनंदन का महादेव के साथ युद्ध? ये क्या अनर्थ हो गया जया? हमें इस युद्ध की सूचना तुरंत मातेश्वरी को देनी चाहिए। हाँ विजया, इस युद्ध को तो केवल मातेश्वरी ही रोक सकती है। हमें शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो। जल्दी चलो जया। गौरी नंदन गणेश के प्राण संकट में है मातेश्वरी। वादी देव महादेव और गौरी नंदन के बीच युद्ध चल रहा है मातेश्वरी। इस युद्ध को रोक लीजिए मातेश्वरी, इस युद्ध को रोक लीजिए। केवल आप ही इस समय इस युद्ध को रोक सकती हैं मातेश्वरी। घटित होने वाले अनर्थ को रोक लीजिए मातेश्वरी, रोक लीजिए मातेश्वरी। का तो कोई उत्तर नहीं है जया, अब क्या होगा? मातेश्वरी की तपस्या इस समय टूटनी संभव नहीं है विजया। तपस्या का टूटना अति आवश्यक है, अन्यथा इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। बालक तो महादेव के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होता जा रहा है। इस समय महादेव की सुरक्षा अति आवश्यक है श्री हरि, और महादेव का बालक गणेश के साथ अधिक समय तक युद्ध करना संकट से परे नहीं है। किसी भी प्रकार इस युद्ध को रोकना होगा प्रभु। श्री हरि, कहीं कोई अनर्थ न घटित हो जाए। इस युद्ध को रोकिए प्रभु, इस युद्ध को रोकिए। इसे पूर्व भी मैं कह चुका हूं, यह बालक अपने पिता के लिए अशुभ है। गणेश को रोकने का कोई उपाय बताइए विष्णुदेव। बालक गणेश को रोकने का अब केवल एक ही उपाय है। शीघ्र बताएं, वो क्या उपाय है श्री हरि विष्णुदेव? बालक गणेश को युद्ध करते देख ये सिद्ध हो चुका है कि धर्म युद्ध द्वारा इस पर विजय प्राप्त करना और इसे अपने वश में करना कठिन ही नहीं असंभव है। असंभव शनिदेव, अब क्या कर सकते हैं प्रभु? हमें निश्चित ही बालक गणेश को अपने वश में करने के लिए कोई छल करना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय संभव नहीं है इंद्रदेव। अर्थात हमें किस प्रकार का छल करना होगा विष्णुदेव? इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हम हर छल करने को तत्पर हैं। हमें बताइए गणेश पर विजय किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? हम संगीत में वातावरण से बालक गणेश को मोहित कर सकते हैं। संगीत के वातावरण से मोहित करने का क्या अर्थ है प्रभु? गणेश एक बालक है, संगीतमय वातावरण से उसका ध्यान उस ओर आकर्षित होगा, और जैसे ही वो संगीतमय वातावरण की ओर आकर्षित होगा महादेव को गणेश पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इंद्रदेव, शनिदेव, आप संगीतमय वातावरण का निर्माण करें शीघ्र ही।
ये क्या हो रहा है देवी लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? ये देवतागण संगीत का वातावरण पैदा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम तो स्वयं भी विस्मित हैं कि देवतागण ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो घोर अन्याय है देवी लक्ष्मी, युद्ध के मध्य संगीत का वातावरण बनाया जाए। युद्ध में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस प्रकार से युद्ध में संगीत का स्वर निकाला जाए। देवतागण जो कुछ भी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ऐसा करके अंततः देवतागण चाहते क्या है? नारायण नारायण, छल और कपट के द्वारा बालक गणेश की हत्या करना चाहते हैं। छल के द्वारा? और क्या देवी लक्ष्मी, देख नहीं रही हैं? जब युद्ध हो रहा हो उस समय संगीत का वातावरण पैदा करने का अर्थ क्या है? केवल यही कि देवता छल द्वारा बालक गणेश की हत्या करना चाहते हैं। इस संगीत में वातावरण का संकेत यही है देवी लक्ष्मी। देवर्षि नारद बिल्कुल उचित कह रहे हैं, देवता निश्चित ही कोई छल करना चाहते हैं। छल तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है देवी। इस समय यदि बालक गणेश की सुरक्षा नहीं की गई तो गणेश के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यदि समस्त देवताओं ने कोई छल किया तो प्रलय आएगा, हमारी महाशक्तियाँ इस सृष्टि का सर्वनाश कर देंगी। नारायण नारायण नारायण, देवी अब इस महायुद्ध को रोकने का केवल एक उपाय है। अर्थात? अर्थात माँ पार्वती को स्वयं अब इस युद्ध को रोकने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। नहीं, ये युद्ध नहीं रुकेगा, ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। और ये युद्ध उस समय तक चलेगा जब तक कि समस्त देवता पुत्र गणेश से अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेते। ये उचित नहीं हो रहा है देवी लक्ष्मी, ये उचित नहीं हो रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इंद्रदेव और शनिदेव को जाकर रोकने की चेष्टा करूं। नारायण नारायण नारायण, विश्वास नहीं होता मुनिवर कि देवता एक बालक के साथ युद्ध में यूं अधर्म का मार्ग अपनाएंगे। इस समय देवता केवल अपनी कायरता का प्रमाण दे रहे हैं। Thank you.